नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। आप एचएस बिहार देख रहे हैं। अभी अभी सीएम नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई, उसके बाद जब लौटे तो मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा पहले वो सुनिए, फिर हम इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे। मांझी जी, सर मांझी जी, क्या बात है, क्या बातचीत हुई, क्या बातें हुई हैं? क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात हुई है, कोई राजनीतिक बात नहीं, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। सर माना जा रहा है कि एक अलग बात है, लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं। सर जेडीयू के साथ नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, फाइनल हो चुका है, बातचीत हो गई, राजनीतिक बात होगी एक दो रोज में, उसके बाद कहा जाएगा, अभी कोई बात नहीं। 30 तक आपने अल्टीमेटम भी दिया है सर, 30 तक तो फाइनल, अभी कोई बात नहीं बना, दो तीन दिन का ही समय बचा है। हाँ, आप लोगों से बात करेंगे। तो महागठबंधन से नाराजगी और नीतीश से प्रेम के बाद जब पहली मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार ने शायद मांझी को कुछ अच्छे संकेत नहीं दिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे, शांत हैं और आगे दोबारा मुलाकात होने की बात कह रहे हैं, उसके बाद फाइनल स्टैंड बताएंगे ऐसा कह रहे हैं। महागठबंधन से जब बीते दिनों नाराजगी हुई तो जेडीयू के करीब आए, मगर अंदर खाने क्या बातें चल रही हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी अपने पार्टी का अस्तित्व बचाए रहना चाहते हैं, मगर जदयू यह चाहती है कि जीतन राम मांझी विलय कर जदयू के साथ हो जाएं। प्रेशर पॉलिटिक्स वहां भी हो रही है कि कितना सम्मान, कितना स्पेस दिया जाएगा, क्या पूरा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है वो जदयू में समा जाए और जो कार्यकर्ता हम के साथ खड़े रहे उन्हें वो सम्मान मिल पाएगा। जदयू एक बड़ी पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई, मगर इस पहली मुलाकात के बाद शुभ संकेत जो है वो बाहर नहीं आए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जीतन राम मांझी को कितना सम्मान जदयू के भीतर मिलता है। हालांकि अभी भी फाइनल स्टैंड जीतन राम मांझी ने साफ नहीं किया है, पहले 25 की तारीख दी थी, अब आगे बढ़ाकर उसे 30 किया गया है और चुनाव जो कुछ ही महीनों में हो जाएगा। आयोग की तैयारियों को तो देखकर यही लगता है कि संक्रमण से इतर आयोग पूरी तरह से तैयार है कि चुनाव वक्त से करा ले और उससे पहले बिहार की राजनीति में उठापटक जो है वो शुरू हो गई है। पार्टी बदलने का दौर, एक दूसरे को खींचने का दौर और प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर बिहार की राजनीति में खूब दिख रहा है। कुछ और दिन रह गए हैं और राजनीति बहुत रोमांचक होती जा रही है। हर एक पार्टी, हर एक नेता और हर किसी का स्टैंड बहुत ही मजबूत है। 2020 के विधानसभा का ये चुनाव बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है और इन सारी खबरों से आपको अपडेट कर रहा है एचएस बिहार। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति पर, यह तमाम बातें हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएं। कैमरे के पीछे रवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।